पहली बात यह है कि धर्मांतर वो हुए हैं या हम हुए हैं? सबके पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पहले कौन? ईसा मसीह भी क्रिश्चियन नहीं थे ना? क्या ध्यान गया? दयानंद स्वामी आर्य समाजी थोड़े थे? दयानंद स्वामी ने जो आर्य समाज बनाया उसको मानने वाले आर्य समाजी थे। इंद्रियां जो हैं अतीन्द्रिय होती हैं, इंद्रियों को इंद्रियों का विषय बनाया जा सकता? भूत के कार्य का नाम भौतिक होता है, भूत जो होते हैं वो भौतिक थोड़े होते हैं, समझ गए ना? तो हम तो किसी का धर्मांतरण क्यों कराएंगे, माने अपने में मिलाएंगे क्यों? हमसे तो सब अलग हुए, उनका तो धर्मांतरण हो ही चुका है। क्या हिंदू तो अपने धर्म पर टिका हुआ है, सबके पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पहले कोई थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पहले कोई थे या नहीं? दयानंद स्वामी जी के पहले कोई थे या नहीं? बात कहते होते होते गोत्र प्रवर्तक जितने ऋषि हैं वो अब ब्रह्मा जी तक जाए, इसका मतलब क्या है? लिखा है सनकै स्तुक्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शने न च, सनकै स्तुक्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शने न च। भारत भूमि का, वृहद भारत का त्याग करके अब जो दूर बस गए जीविका के लिए, युद्ध व्यापार आदि के निमित्त चले गए, उनका ब्राह्मणों से संपर्क टूट गया, आचार विचार में हीनता आ गई, वही म्लेच्छ हो गए। क्या वो म्लेच्छ हो गए? इसका मतलब क्या है? सब तो आर्य की संतान है, यहाँ तक महाभारत पढ़िए, भागवत पढ़िए, मरीचि कश्यप इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से केवल देवता मनुष्य इत्यादि उत्पन्न नहीं हुए, गरुड़ भी उत्पन्न हुए, पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी उत्पन्न हुए। पेड़ पौधों की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऋषियों की पत्नियों के घर से। भागवत पढ़िए, महाभारत पढ़िए, तो सबके पूर्वज का नाम क्या है? हिंदू, आर्य, सनातनी, वैदिक, यही ना? ये सब धर्मांतरित हुए, माने धर्म से च्युत हुए। धर्मांतरण तो होता ही नहीं, धर्म से च्युत हो गए। अब ये जो धर्म से च्युत हो गए और धीरे धीरे गोमांस इत्यादि भी खाने लग गए, ये कदाचित हिंदू होना चाहें किस कॉलम में रखेंगे? प्रदेवता है आर्य समाजियों के बनाए हुए कॉलम में या सनातनियों के बना के कॉलम में? कॉलम समझ गए ना? पांच कॉलम हैं, उंगलियां कितनी हैं? पांच, किसी के छह भी होती हैं, किसी के सात भी, पांच हैं। ब्राह्मण खाने में रखेंगे, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, दलित में, किस में रखेंगे? आजकल जो कोई हिंदू बनना चाहे सचमुच में, जो हिंदू हैं वो तो वर्ण व्यवस्था मानते नहीं, फिर जो हिंदू होकर के हिंदू होना चाहेंगे वो क्या सनातन धर्मियों की वर्ण व्यवस्था मान लेंगे? मोहन भागवत जब हिंदू होकर भी वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं, समझ गए ना? तो जो हिंदू हैं ही नहीं उनसे वर्ण व्यवस्था आप मनवा लेंगे क्या? ध्यान गया आपका? कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि हम उनको पांचवें कॉलम में रखना चाहेंगे, ध्यान गया? हम उनको पांचवें कॉलम में रखना चाहेंगे। अब वो पहले कॉलम मानना चाहेंगे, तो परंपरा के क्षत्रिय भी ब्राह्मण नहीं हुए, वैश्य भी ब्राह्मण नहीं हुए, गौण ब्राह्मण हो सकते, अच्छा स्वभाव है, यह है युद्ध का स्वभाव है क्षत्रिय। मुख्य रूप से तो परंपरा प्राप्त जो हिंदू हैं वो भी सब तो ब्राह्मण नहीं है, और सबको ब्राह्मण बना दोगे तो रक्षा विभाग किसके पास जाएगा, अर्थ की व्यवस्था किसके पास जाएगी, सेवा का प्रकल्प सब संतुलित तो नहीं रहेंगे ना, एकदम कर्म संकरता आ जाएगी पराकाष्ठा की, वर्ण संकरता कर्म संकरता दोनों से हमको बचाना है ना। और आजकल का विकासवाद कहता है वर्ण संकर बनाओ कर्म संकर बनाओ, मैंने पहले ही कह दिया रोटी बेटी की मर्यादा जब तक है तब तक सनातनी है, बेटी की मर्यादा टूट गई है लगभग, पंजाब आदि में तो प्राय है ही नहीं, और रोटी की मर्यादा तो 99% टूट गई, रोटी की मर्यादा टूटने के बाद बेटी की मर्यादा टूटने का नंबर आता ही है। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाभाग ने मुझको कई साल पहले वृंदावन में कहा था,
24 साल पहले 23 साल पहले, आप जो है रोटी की मर्यादा ना माने हिंदू ये कह दीजिए। हमने कहा आगे क्या होगा मालूम है, कहिए क्या होगा। हमने कहा फिर बेटी की मर्यादा टूटे बिना नहीं रहेगी। फिर एक बार दो तीन साल बाद घटना घट गई, उनके कोई कुलीन व्यक्ति के व्यक्ति की बेटी आदि ने कहीं और शादी कर लिया, बेटे ने हमसे आके कहा, हमने समझ में आ गई ना बात, उसने पहले रोटी की मर्यादा भंग की होगी, तो बेटी की ऊपर की रोटी में सबका अधिकार, ऊपर की बेटी में किसी का अधिकार नहीं, यही तो रोटी बेटी की मर्यादा है ना। तो हमने कहा कि वो जब आएंगे, अब समस्या ये होगी कि उनको किस कॉलम में रखें, वो तो ब्राह्मण ही बनना चाहेंगे। आज समाजी पूछते हैं, क्या पूछते हैं मालूम है, नहीं मालूम, ब्राह्मण बना बनोगे या क्षत्रिय या वैश्य, तीन ही वर्ण उनके यहाँ होते हैं, जनेऊ लेगा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई ना कोई बोलना पड़ेगा, तो कहता वैश्य बना दो। तो आज समाजी मंदिर में क्या कहा, अभागा जब ब्राह्मण बनने का अवसर है तो मिलेच्छ कहीं का फिर गाली देते, एक नंबर का ब्राह्मण बन सकते हो तो तुम वैश्य बनना क्यों पसंद करते हो। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मन कांप रहा है, इतना ऊंचा छलांग कैसे लगा दूं, फिर गाली दे के वैश्य बना देते। अगर कोई जहाँ आजकल का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, कहता ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण बनो, एक नंबर बनने का अवसर है क्या, जब नकली बनना तो डीजी बनो, तुम इंस्पेक्टर हो तो दीवान बन के क्या करोगे, समझ गए ना। इसका अर्थ है कि उनको पांचवें कॉलम में रखा जाएगा शास्त्र के अनुसार। हुआ है घटना, एक अंग्रेज पूज गुरुदेव के पास आए थे, तो पूज गुरुदेव ने कहा कि तुम तो नहीं मानोगे हमारी बात, पांचवें कॉलम में रखा जाएगा। उसने कहा जो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा उसे हरा दूंगा, पांचवें कॉलम का हिंदू बनना चाहता, बना घटना घटी। महाराज पूज गुरुदेव ने कहा, इसलिए फिर हमने एक मन में मार्ग निकाल के रखा है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, इंदु शब्द, तो जो आजकल वर्ण व्यवस्था नहीं मानते और हिंदू होना चाहते हैं, हिंदू से हिंदू होना चाहते हैं, उनके नाम के आगे इंदु लगा दो, हिंदू भारतेंदु की तरह से स्त्री हो या पुरुष, और जिस जहाँ से आए हैं आपस में रोटी बेटी का संबंध रखे, हिंदू भी हो गए। और इस शर्त पर आजकल हिंदू बनने वाले कौन होंगे है, उनको वर्ण निरपेक्ष हिंदू बनाए, वर्ण निरपेक्ष हिंदू क्या बनना पसंद करेंगे, ना उनको ब्राह्मण कहें, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना पंचम कालों का कहें, उनको कहें ब्राह्मण। उदाहरण हुआ है ये भरत, ये है एक पूज्य पद हमारे पूर्वाचार्य महाभाग जहाँ पले ब्यावर राजस्थान में, वहाँ के क्षत्रियों को पता था कि उनके पूर्वजों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, उनकी कुलदेवी कुलदेवी उनकी वही क्षत्रियों वाली, और विवाह भी आपस में, वो जो हजार सैकड़ों की माने माने 50 हो गए 100 हो गए, उनके आज वो लाखों संख्या हो गई, हजारों संख्या हो गई, बलपूर्वक उनके पूर्वजों को बनाया गया था। उनका प्रस्ताव मेरे पास 23, ये बहुत बड़ी घटना है, 23 साल पहले 22 साल पहले उनका आया क्रम कि हमको जो है क्षत्रिय होने दिया जाए। तो हमने वहाँ के क्षत्रियों की बैठक बुलाई, जीवेश्वर जी को शायद ये चीज़ मालूम हो, हम तो अपनी साथ ये सब चीज़ बोलते नहीं प्राय, आज पहली बार शायद बोल रहे हों या दूसरी बार। तो उन क्षत्रियों ने कहा कि गोमाम शादी इन्होंने नहीं खाया है, विवाह भी आपस में है ही है, विवाह की मर्यादा भी इनकी ठीक है, कुलदेवी, तो हमने उनकी कुलदेवी के मंदिर का शिलान्यास किया, वहाँ मंदिर बन गया, कुलदेवी की स्थापना भी हो गई, समझ गए। उन्होंने कहा कि रोटी की मर्यादा हम इनके साथ कर लेते हैं, और बेटी जो इनके अपने विवाह की परंपरा है, हैं तो ये हमारे ही जनेऊवादी की व्यवस्था इनकी टूट गई है, तो बेटी की मर्यादा आपस में रखें, रोटी की मर्यादा हम शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार एक सामंजस्य चला। तो हिंदू जो है वो तो अब हिंदू कौन रह गया, भारतीय संविधान की 25वीं धारा के डिज्जी उड़ा करके
जैन हो गए अल्पसंख्यक, बौद्ध बना दिए गए अल्पसंख्यक, सिख बना दिया गए अल्पसंख्यक, लिंगायत अल्पसंख्यक बनने के लिए तैयार हैं, वनवासी या कौन कौन अल्पसंख्यक बनाए जाने की संभावना है बनने के लिए तैयार हैं। लिंगायत और वनवासियों को तो हमने रोका था, नहीं तो कांग्रेस बना ही रही थी कुछ समय पहले की बात। तो अब प्रश्न उठता हिंदू को बचाना ही कठिन, तो हमने सबसे बढ़िया एक मार्ग दिया है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा में संशोधन करके जो जैन बौद्ध सिख इत्यादि अल्पसंख्यक घोषित किए गए, अब भारतीय संविधान की 25वीं धारा ज्यों के त्यों पूर्ववत लागू की जाए, वे सब के सब घोषित हों कि विश्व में जितने जैन बौद्ध सिख हैं वो हिंदू थे, हिंदू हैं, तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में नंबर 2 का हिंदू हो जाएगा। तो लाखों व्यक्ति हमको धर्मांतरण करने की जरूरत क्या है, लाखों व्यक्ति बने बनाए हमारे अपने पास आ जाएंगे, समझ गए ना, करोड़ों की संख्या हमारे पास अपने आप हो जाएगा, हमको एक एक व्यक्ति को पोटने की क्या जरूरत है, समझ गए ना। जितने जैन बौद्ध सिख अपने आप को कहते हैं पूरे विश्व में, भारतीय संविधान की 25वीं धारा को पूर्ववत क्रियान्वित करने पर जनसंख्या के दृष्टि से हम पूरे विश्व में 1 नंबर के हो जाएंगे, हमको दो दो व्यक्ति को, दो मुल्ला को, दो क्रिश्चियन को हिंदू बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, हमारी संख्या इतनी है विश्व में कि हम नंबर 1 के नहीं तो 2 के तो हो ही जाएंगे, समझ गए। ठीक।